राधे राधे सभी को एक बार फिर से। और सुबह के बज चुके हैं 5:30 और मैं 5:30 उठकर लग गई हूँ प्रभु सेवा भक्ति में। तो आज सबसे पहले चल रही है मंदिर की थोड़ी सी क्लीनिंग डस्टिंग, जो भी थोड़ी सी साफ सफाई वगैरह होती है वही चल रही है। और यहाँ पर कुछ प्रभु जी के कपड़े चेंज किए थे, तो उनके पोशाक हैं जो, उनको मैं धो रही हूँ गर्म पानी से। और उनको मैं बाथरूम वगैरह में नहीं धोती हूँ, किचन में धोती हूँ। किचन का जो सिंक है उसको क्लीन अप कर लेती हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो साफ़ बर्तन है उसमें गर्म पानी लेकर और थोड़ा सा सर्फ लिक्विड जो भी है आपके पास उसको डालकर इनको मैं अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। और क्योंकि बाथरूम में ये है ना कि हम और टाइम भी वहाँ बाथिंग करते हैं, शायद अशुद्धि के टाइम में भी, तो बाथरूम में ये प्रभु जी के कपड़े धोने बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। क्योंकि हमारे जो गुरुदेव हैं महाराज जी बोलते थे कि जो भी प्रभु के जो कपड़े होते हैं, वस्त्र होते हैं, उनकी जो पोशाक है ना, उनमें भी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। उनको जहाँ तहाँ ऐसे नहीं रखने चाहिए, और उनको धोना भी है तो अच्छे तरीके से धोना चाहिए, कि एक रिस्पेक्ट से, सम्मान से, कि ऐसे नहीं कि हाँ भाई ये तो खाली एक कपड़े ही हैं ऐसे धो लेते हैं, ऐसे नहीं। उनको भी एक भगवान का दिव्य स्वरूप समझकर ही उनके वस्त्रों को धोया जाता है। और इनका पानी तो चाहे आप किसी फूल के गमले में भी डाल सकते हैं, या कहीं खेत या मिट्टी में कहीं पर भी डाल सकते हैं, नहीं तो जैसी आप लोग के पास सुविधा है। आजकल तो लोग बड़े बड़े फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ इतनी सुविधा भी नहीं हो पाती है। कुछ लोग के पास तो गमले वमले भी नहीं होते हैं, मतलब फ्लावरिंग पॉट के लिए, तो उनके लिए जहाँ सुविधा नहीं है तो वो किचन के जो सिंक है, किचन वाले किचन में ही धो सकते हैं, क्योंकि किचन तो शुद्ध ही होता है, वहाँ तो अन्नपूर्णा माता का वास होता है। तो लेकिन बाथरूम में कभी नहीं धोना चाहिए, इसलिए तो मुझे उन्हीं से ये बात पता चली। क्योंकि बातें तभी पता चलती हैं जब हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, हम इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर, तो हमको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। जब हमारे अंदर कुछ जिज्ञासा जागृत होती है ना कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो नॉलेज खुद ब खुद आने लगता है, और हमको जानकारियाँ पता होने लगती हैं। वो हम पर ही बात करता है, हम जानना चाहें कि नहीं। तो जी, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो उनके वस्त्रों को जहाँ तहाँ ऐसे वैसे वो साफ़ नहीं, ऐसे मतलब कहीं भी साफ़ नहीं करना चाहिए, बस अच्छी जगह से, शुद्ध जगह ही साफ़ करना चाहिए अच्छे से, एकदम भगवान की तरह ही उनको समझना चाहिए। और यहाँ पर उन भगवान जी के पोशाकों को धोकर और मंदिर का रूम को क्लीन अप करके मैं आ गई हूँ। अब मंदिर के जो बर्तन हैं पूजा पाठ के, दिया बाती के, उनको मैं गर्म पानी से वॉश कर रही हूँ। और देखिए ठंडा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा है कि जिसको प्रभु सेवा का नशा चढ़ जाता है ना एक बार, उसको ठंडी का एहसास ही नहीं होता है। ये भक्ति मार्ग ही ऐसा है, पूछो मत। मतलब यहाँ बहुत हमको प्रेम भी मिलता है, और एक सच्चाई ईमानदारी वाला रास्ता है। क्योंकि दुनिया से हमको क्या होते हैं पता है, दुनिया से हमको धोखे मिलते हैं। भले आप किसी से भी प्रेम कर लो, दुनिया में हमको धोखे ही मिलेंगे, क्योंकि ये कलयुग है और यहाँ लोग होते ही ऐसे हैं। सच्चा प्रेम तो बस प्रभु सेवा में ही है, और आप खुद ही आजमा कर देख लीजिए। जब हम प्रभु सेवा में होते हैं तो हमारा मन कितना हल्का होता है, बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है। लेकिन जैसे ही, और ये खुद मैंने भी फील किया, जब मैं इस कॉर्नर पर बैठी होती हूँ ना, मुझे अपने दुख दर्द सब भूल जाती हूँ मैं, बस मस्ती में झूमती हूँ प्रभु कृष्णा के साथ में। बस उनको नहलाना धुलाना, उनको अच्छी अच्छी पोशाक पहनाना, उनका श्रृंगार करना, उनको उनके चरण दबाना, उनका सेवा पानी, तो उस वक्त अपना दुख, अपनी टेंशन, अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब छू मंत्र पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, हो सकते कुछ समझ में ही नहीं आता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि जब मैं पूजा पाठ भक्ति भाव में जाती हूँ ना, लोग तो मंदिर भी जाते हैं तो कुछ मांगते हैं ऐसे, मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मंदिर भी जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ मुझे क्या मांगना है क्या नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। इसलिए इसे ही कहते हैं ना प्रेम की, सच्चा प्रेम, जिसमें ना कुछ मांगा जाता है ना लिया जाता है। एक सच्चा प्रेम हमको सिर्फ भगवान से ही मिल सकता है, और किसी से भी नहीं मिल सकता। जो सेवा भाव होता है ना भगवान के लिए, वो बहुत एक दिव्य दिव्य होता है, बहुत ही ज़्यादा दिव्य होता है। और इसके आगे तो हम क्या ही गुणगान कर सकते हैं, क्योंकि वो स्थिति हम अभी नहीं पहुँचे हैं, और इतना ज़्यादा हमको नॉलेज भी नहीं हो पाते, क्योंकि भक्ति की उस चरम सीमा तक अभी हम पहुँचे नहीं हैं। बस एक कोशिश जारी रहती है, और कोशिश हमें सदैव करते रहना चाहिए। भले ही अभी नीचे हैं, लेकिन एक ना एक दिन तो ऊपर ज़रूर पहुँचेंगे, तो कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।
की भक्ति के चरम सीमा तक पहुंच सकें। और यहाँ पर अब मैं पूजा पाठ कर लिया है और तो मॉर्निंग में सबसे पहले दूध का भोग लगाती हूँ मैं, एक गिलास दूध मैं लड्डू गोपाल जी के लिए बनाती हूँ, और अभी बेटी भी उठने वाली है, एक कप दूध उसके लिए भी बना लूँगी। तो साथ साथ में भगवान जी की सेवा भी हो जाती है, बच्चों की भी सेवा हो जाती है। सेवा भाव जरूर होना चाहिए, क्योंकि सेवा सेवा से ही मेवा मिलता है बोलते हैं ना। तो और ये सेवा भाव तभी आता है जब हम भक्ति मार्ग से जुड़ते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं तभी। अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं भगवान का नाम लेखन कर लेती हूँ। कुछ लोग माला जाप करते हैं, कुछ मतलब अपनी अपनी चॉइस है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, तो मैं यही करती हूँ। इससे मन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और नकारात्मकता से सकारात्मक तक की ओर बढ़ते हैं, पॉजिटिव थॉट्स ज़्यादा क्रिएट होते हैं माइंड में, तो इसलिए ये सब है। और यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ, तो अब बन रहा है मेरा गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पर काली मिर्च डाल ली मैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा है तो पानी ठंडे पानी में काम वाम करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ठंडी लग ही जाती है। तो थोड़ा काली मिर्च वाली चाय डालने से थोड़ा क्या है कि रिलैक्स होता है, गला ख़राब नहीं हो पाता है। जितना हम अपनी केयर करेंगे उतना ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। अब केयर करना सब अपने हाथ में ही है। है मैंने चाय अपने लिए भी डालूंगी। इसको रखाते हैं महाराज जी के पास में, उनके भक्तों से मुझे पता चला है ना कि महाराज जी बस थोड़ा सा चाय लेते थे। जय श्री बाबा निक्रोली महाराज की जय। तो मॉर्निंग टाइम में मैं थोड़ा सा जो हम अपने लिए चाय बनाते हैं वो महाराज जी को भी थोड़ा सा मैं भोग के लिए रख देती हूँ, और उसको हम फिर प्रसाद के रूप में पाएंगे। और उनके भक्तों से ही हमको पता चला है महाराज जी मॉर्निंग के टाइम में बस थोड़ी सी चाय लेते थे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा ही भोग लगा देती हूँ और सब फिर प्रसाद के रूप में उसको पाएंगे। जितनी अपने से सेवा सकती उतना कर सकती हूँ, और जितनी जानकारी हमको मिलती है उतना ही उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। वैसे तो कहाँ से पता चलता है हमको, बस भक्तों के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हमारी जिज्ञासा होती है हम जानने का प्रयास करते हैं ना, इसलिए। तो मुझे जानने की बहुत जिज्ञासा होती है क्या है क्या नहीं है, तो खूब बहुत पता किया मैंने, तो तभी से पता चला। तो तब से मैं भी थोड़ी सी अपनी सेवा, जो छोटी सी सेवा है मेरी, वो थोड़ी सी कर देती। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, और जैसे कि आज मंगलवार है तो मंगलवार को मैं बनाती हूँ मीठा भोग। हनुमान जी को कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाती हूँ मैं, तो वही लड्डू गोपाल जी को भी, और मीठा तो सभी को ही पसंद होता है, तो कभी हलवा बना लेती हूँ, कभी मालपुए टाइप बना लेती हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं आटे के माड़े, और इसको बाहर पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ माड़े ही बोलते हैं, और लगभग ये डोसा जैसा ही दिखता है। इसमें काली मिर्च डाल देंगे थोड़ा सा, लगभग एक चम्मच काली मिर्च का पाउडर। मेरे पास पाउडर नहीं था तो मैं इसको पीस रही हूँ, पीस कर भी डाल देंगे। मतलब एकदम बारीक नहीं होना चाहिए, दरदरा ही होना चाहिए काली मिर्च, बड़ा टेस्टी लगता है, उसका फ्लेवर आता है ना इसमें, बहुत टेस्टी लगता है। और चीनी मैंने थोड़ा सा पिघला कर रख दिया। और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि वो ड्यूटी से आ गया तो उनके लिए फिर चाय बना रही हूँ मैं। हमने तो पी लिया था मॉर्निंग में, वो आपको मैंने शेयर कर लिया, तो ये अभी आए हुए हैं, तो इनको मैं चाय दे दूंगी, गर्मा गर्म चाय। इसके यहाँ पर ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो जॉइन साइड टाइमिंग लेट होगा या तो 8:59 हो गया अभी, क्यों करूँ मैं, क्यों, कितने बजे की टाइमिंग है? 9:30 या 9:10 मुझे। इसकी म्यूजिक क्लास चल रही है अभी, लेकिन ओपन तो हो नहीं रहा, यही दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लास में, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का डिस्टर्ब हो जाता है, कुछ ऐसी डिस्टर्ब तो रहता ही है इसमें। तो इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, अब मैं चलती हूँ किचन को, जो भी मुझे अब रेडी करना है खाना उसको। और आज ठंडी कल से भी ज्यादा है, कल से भी ज्यादा फॉग लगा हुआ है, तो मैं जल्दी से खाना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ। ये देखिए इसका पेस्ट एकदम परफेक्ट बना हुआ है, ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पतला, ऐसे ही रखना है इसको एकदम। थोड़ी देर इसको रेस्ट पर रखना होता है, ताकि थोड़े से जो जालीदार बनेंगे ना, तो अच्छा जालीदार बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, भोग लगाना है मंगलवार का, तो ज़्यादा और चीज़ ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, बस चीनी का ही चीनी डाला है इसमें, बस मीठे वाले बनेंगे। तो फाइनली इसकी म्यूजिक क्लास ज्वाइन हो गई है, बड़ा दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लास का,
बच्चे फिर टाइम पास करने लगते हैं, मैम नहीं आती है तो ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम का ही होता है तो। और ठंडा इतना ज्यादा है बाहर, पूरा फॉग लगा हुआ है, कल से भी ज्यादा ठंडा है। आज भी देखते हैं, आज भी हम आग जलाएंगे तो आग से आएंगे। और चाय वाय के बाद इनको मैं ज्यादा इकट्ठे करते ना तो इकट्ठे ही धोती हूँ इनको, क्योंकि गर्म पानी से ही धोना है, क्योंकि ठंडा पानी बिल्कुल हाथ लगाने लायक नहीं हो रहा इस टाइम पर और फिर साफ नहीं हो पाते हैं। चलो मैं जल्दी से भूख रेडी कर देती हूँ। इसको बनाने में मुझे बड़ी दिक्कत आती थी पहले, अब धीरे धीरे सीखने लग गई हूँ। बचपन में हम काफ़ी बनाते थे, तब तो जल्दी जल्दी बन जाता था क्योंकि बहुत बनाते थे। बाद में मैंने इसको बहुत कम बनाना स्टार्ट किया तो मैं भूल गई फिर इसको बनाना। और इसमें मैंने नॉन स्टिक की तवे का ही यूज़ किया है, और जो लोहे का तवा है उसमें नहीं बन पाता है, मुझसे पता नहीं क्यों। और ये देखिए कितने जालीदार बनते हैं, एकदम बहुत ही पतले जालीदार, एकदम डोसा जैसे, और इतना सॉफ्ट होता है खाने में, मुँह में जाते ही पिघल जाता है, और अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए। आटे की चीज़ें तो सब कुछ अच्छी ही होती हैं। और इसमें मैं घी बहुत कम लगाता है इसमें, हल्का सा, ये नहीं कि ज़्यादा घी लगता होगा, ऐसा भी नहीं है, ज़्यादा घी कम लगता है, इसलिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और टेस्ट तो पूछो मत, बहुत ही अच्छे। और ये थोड़ा सा चिपक जाता है ना तभी मैं तो तभी थोड़ा बनाने में बड़ा दिक्कत होता है ये। और ये देखिए कितना जालीदार बनता है, और इसमें कुछ भी नहीं डाला है मैंने, बस खाली चीनी बस, और कुछ नहीं। तो जी यहाँ पर हो गया है भोग रेडी, सुबह का नाश्ता वास्ता सब तैयार हो गया है। अब लगाना है मुझे भगवान जी को भोग। थोड़ा सा किचन की यहाँ पर थोड़ी सी मैं सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि कुछ भी बनाकर थोड़ा सा मैं यहाँ पर जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि खाना आना परोसता है तो थाली गंदी हो जाती नीचे से, इसलिए तुरंत एक हाथ से साफ़ करते जाती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं भोग की थाली रेडी कर रही हूँ अब प्रभु जी के लिए। और इसमें मैंने आज कुछ खास तो नहीं बनाया, बस दही ही रख रही हूँ, और बूंदी भी नहीं था, तो नहीं तो बूंदी का रायता जैसा बनाती, तो दही के साथ ही मैं इसको परोसूंगी। अब हमको ब्रेकफास्ट करना है, तो मेरी बेटी की ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्पोर्ट्स क्लास चल रही है, तो वो लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं स्टडी रूम में, तो थोड़ी देर वेट करेंगे हम, तो साथ में ये ब्रेकफास्ट करेंगे। तो देखते हैं 10 बज गया है और कितने बजे क्लास फिनिश होती है उनके देखते हैं, तो वेट करेंगे थोड़ी देर। और तब तक खाना तो मैंने ढककर रख लिया है, ठंडा ना हो जाए कहीं, तो वैसे थोड़ी देर ही चलती क्लास, ज़्यादा देर नहीं चलती है, तो मैं और तब तक कुछ और काम कर। क्लास खत्म, कह किससे? इस वाले से। इतने कपड़े में एक्सरसाइज थोड़ा होता है, आज तो ज्यादा नहीं करा दिया सर ने एक्सरसाइज सारे बच्चों की? पुशअप वाला था ना, पुशअप वाला करा रहे थे सर, वो हटा दिया। अच्छा हटा दिया था, वो भी पुशअप या फिर तो इसकी भी क्लास फिनिश हो गई है। अब कौन सी क्लास है दूसरी? पता नहीं, अभी मैसेज भी तो नहीं आया कुछ। चलो जो भी होगा, पहले ब्रेकफास्ट, अब हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। म्यूजिक सिलेक्ट हो गई, मैम को पसंद आया आपका गाना? हाँ, मैम ने बोला बस थोड़ा ट्यून लर्न करो। हाँ आपका ट्यून अच्छा नहीं हो रहा था। अरे ट्यून नहीं, उसके वो, हाँ जो वो ट्यून नहीं, क्या फिर क्या जो लिखे होते हैं, लिखे होते हैं नहीं, लिरिक्स उसके आगे वाला धीरे गाने में से करें। हाँ थोड़ा फास्ट टाइप हो रहा था ना आपका, थोड़ा वो ट्यून से गाना, थोड़ा ट्यून कम हो रहा था। फास्ट अभी के लिए फास्ट गाओ। हाँ वहाँ ट्यून में अच्छे से गाओगे, प्रैक्टिस करोगे ना तब होगा। हाँ सिंगिंग के लिए तो प्रैक्टिस ही करते हैं। तो ये म्यूजिक की बात बता रही थी, म्यूजिक क्लास और स्पोर्ट्स क्लास होगी इसकी। अब हम करते हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट, क्योंकि फिर दूसरी क्लास भी हो सकती है इसकी, तो नहीं तो फिर टाइम ज्यादा हो जाएगा, 10 तो अभी बच गए हैं। चलो चलो जल्दी खाते हैं, आ जाओ आ जाओ। दो डाल देती हूँ ना, हाँ, मेल ले, ठीक है, गरम गरम ले जाओगी ना। मम्मा इतना ही था ना, नहीं इतना ही था ऑनलाइन क्लास। अब दही, हाँ इतना ही होता ऑनलाइन क्लास, अब मतलब कोई वैसे वाले। अच्छे से ले जाओ, वहां पर रखो। चलो ये स्कूल का बैग भी यहीं पर ही होता है तेरा, कभी हटाना मत इनको। बच्चे नहीं रखो प्लीज मम्मा। जब सर फैले वाला जो। और यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि अब हो गया बहुत ज्यादा ठंडा।
क्या हुआ? मैं फिल्टर लगा रही हूँ और ज्यादा ठंडा हो गया तो अब चाय बना के थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। थोड़ी देर रेस्ट करूंगी फिर उसके बाद लंच बनेगा और लंच के बाद जो भी काम होंगे छोटे मोटे चलते रहेंगे फिर शाम की रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर चाय पीती हूँ और बैठती हूँ और थोड़ी सी एडिटिंग का काम करूंगी वीडियो वीडियो का क्या हाँ और इसकी भी क्लास नहीं चल रही है मोबाइल में खेलने लग गई। चलो बंद करो बाय। और यहाँ पर मैं चावल रख दूंगी सबसे पहले फिर उसके बाद दाल रखूंगी। दाल में अरहर और कटे हुए चने और राजमा है। राजमा मैंने कलात भिगाने के लिए डाल दिया था तो प्रेशर कुकर का ही यूज कर रही हूँ क्योंकि राजमा अच्छे से उबल नहीं पाता है ना, तो राजमा या चने के लिए प्रेशर कुकर का ही यूज करती हूँ मैं। तो जी दाल भी रख दिया है उबालने के लिए और इसमें चावल रख दिया है और बिना प्याज लहसुन का ही बनाती हूँ मैं मंगलवार को, तो ये इनको उबलने देती हूँ मैं। तब तक मैं करती हूँ और कोई काम। और अभी भी बिल्कुल धूप नहीं निकली है, अभी हो गए हैं 12:30 और ठंडा इतना मतलब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है ठंडा, ऐसा लग रहा है। आज तो आग भी नहीं जलाई, देखते हैं टाइम मिलता है तो फिर जलाते हैं। और इनको उबलने देती हूँ, इसके बाद मैं लंच का भोग रहा। दाल उबल चुकी है तो अब इसमें जरा छौंक लगा लेती हूँ मैं, वही हल्दी मिर्च मसाला धनिया जीरा पाउडर सब मिक्सअप करके छौंक लगा दूंगी। टमाटर भी डाल दिया है और यहाँ पर मेरे चावल बन चुके हैं और दाल भी रेडी हो गई है। और अब डालती हूँ मैं भगवान जी के लिए दोपहर का भोजन भोग, चावल और राजमा की दाल। पर संध्या पूजन मेरी हो चुकी है और दूध का भोग लगा लिया है। तो जी संध्या पूजन भी हो गया है और मैंने दूध का भोग लगा दिया है और मेरी बेटी भी ले गई है अपने लिए 1 कप दूध। और अब रात का खाना क्या बनाते हैं उसकी तैयारी चल रही है, तो देखो क्या बनाते हैं अभी। तो रात्रि भोजन में बन रहा है गोभी आलू और गोभी की सब्जी। तो आज रोटी और आलू गोभी की सब्जी का हम भोग लगाएंगे रात्रि भोग में प्रभु जी के लिए। तो जी भोग भी रेडी हो गया है और मैंने भगवान जी को भोग परोस दिया है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है और रात का भोग भी लगा दिया है मैंने और थोड़ी देर में हम भोजन पाते हैं। और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तब तक बने रहिएगा। राधे राधे।